माया मोह जग परमिया कर मुसै खबर ना होए काम क्रोध मन हिर लया मन मुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंचदूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन प्रगाशया मन तन निर्मल होए नाम हीन नकते फिरें बिन नावें बह रोए नानक जो तुर करतै लिखिया सो मेट न सकै कोए नाम हीन नकते फिरें बिन नावें बह रोए नानक जो तुर करतै लिखिया सो मेट न सकै कोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत जीओ श्लोक वारां ते वधीक बाणी दी जो लड़ीवार विचार आपां आरंभ कीती है इस लड़ी दे तहत अज 14 नंबर श्लोक दा पाठ आपां सरवण कीता है। धन गुरु अमरदास महाराज तिन्हां दी रसना तो उच्चारण कीता होया ये पावन श्लोक 1414 अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभायमान है। इस श्लोक विच भी गुरदेव जी ने दो पात्र सिरज के मानवता नूं उपदेश बख्शिश कीता है। एक वो है जिहड़ा अपना आत्मक सरमाया लुटाई जा रहा है, इंज कह लिए कि जिहदे अंदर रोजाना चोर चोरी करके उहदा आत्मक सुकून आत्मक सरमाया लई जा रहे ने, पर ये अन्ना अग्ञानी जीव इस गल्लों बेखबर है। दूजा वो पात्र है जिहड़ा जागया होया है, ते कल्ला जागया होया ही नहीं, वो इन्हां पंजां दूतां दा इन्हां पंजां चोरां दा मुकाबला करन दी भी समर्था रखता है। हुण असीं वेखणा है कि असीं इन्हां दोनों विच्चों किहड़े पात्र नूं अपने सामने लैके आउणा। जिवें असीं कोई मूवी वेखदे हाँ, मूवी वेखण वक्त मनुख हमेशा ही ये सोचता है भावें कि हीरो उहदा रिश्तेदार नहीं ते विलन उहदा कोई दुश्मन नहीं, पर मनुख जदों कोई पिक्चर वेखदा है हमेशा हीरो वाले पासे तो होकर सोचता है। जदों उहनूं कुट पैंदी है मार पैंदी है जदों उहदे नाल धक्का हुंदा है तो उदों अफसोस हुंदा है, जदों विलन फड़िया जांदा है जां उहदे ते कोई हमला करदा है उदों उहनूं खुशी हुंदी है, भावें कि विलन नाल उहदी कोई दुश्मनी नहीं हीरो नाल उहदी कोई दोस्ती नहीं, पर पिक्चर वेखण वक्त मनुख हमेशा ही हीरो वाले बन्ने अपने आप नूं खड़ा करके खलोता होया वेखदा है। पर जदों जिहड़ी असली साडी जिंदगी दी पिक्चर है इहदे विच बिल्कुल इस दे उल्ट है। जिहड़े इत्थे चोर ने, जिहड़े इत्थे साडा अंदर सरमाया लुट के लै के जा रहे ने, जिहड़े इत्थे विलन ने, असीं ये नहीं वेख रहे भी ये जो साडा सरमाया लुट के लैके जा रहे हैं, असी खुशी महसूस करिए कि जे कोई इन्हां चोरों तो डाकुआं तो अपना आप बचाउंदा है। इत्थे हीरो कौन ने? सत संतोख दया धर्म धीरज, जिहड़े पंज साडे दैवी गुण ने, ते विलन कौन ने? काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार। जिहड़ी एक दुनियावी पिक्चर है उत्थे बिल्कुल उल्ट है, उत्थे बंदा अपने आप नूं हीरो दे पक्ष च पेश करता है ते विलन नूं इंज पेश करता है कि जिवें जदों विलन हीरो नूं मारदा है ते उदों इंज सोचदा है कि वेखो जी किड्डा धक्का होया है। उदों तक अपने आप नूं उदास समझदा है जदों तक हीरो वाला पलड़ा भारी नहीं हुंदा। पर काश किते असीं इत्थे जिंदगी च समझ सकीए जिहड़े इत्थे साडी जिंदगी दे असली हीरो ने, जिहड़े पंज गुणां दी गल बाणी विच कीती होई है, काश किते असीं इन्हां नाल लड़न की ताकत अपनी जिंदगी विच रख सकीए। जिहड़े पंज वकार साडी जिंदगी विच साडे जीवन नूं तबाह करदे ने
इन्हां नूं काबू करन दी, इन्हां नूं कंट्रोल करन दी जाच जो सानूं सतगुर की बाणी बख्शिश करदी है। करने आप ने, सतगुरु जी सिर्फ डायरेक्शन दे रहे ने, सानूं सिक्ख्या दे रहे ने कि इस रस्ते ते तुरेंगा तो जीवन तेरा खूबसूरत होएगा। साहब जी ने इत्थे बहुत प्यारी गल की, कहिंदी माया मोह जग भरमिया, माया दे मोह विच पै के जग भटक रहा है, मोह विच पै के। गल आपां पहलां भी कई बार कीती है, उही भरा हुंदे ने, उही माँ हुंदी है, उही बच्चे हुंदे ने जिहड़े एक मकान की छत थले रहिंदे ने, कपड़े एक दूजे दे पाउंदे ने, एक थाली च खाणा खांदे ने, बहुत प्यार हुंदा है। पर ज्यों ज्यों वड्डे हुंदे जांदे ने, मोह दियां तंदां वधदियां जांदियां ने, एक दूजे नूं वेखणा भी पसंद नहीं करदे, ते इहो जे भटकदे ने रस्ते भी अलग अलग हो जांदे ने। इहनूं बाणी च चिक्कड़ भी आखिया है, जदों असी सतगुर की बाणी पढ़ते हैं, तित सरवरदय पहले निवासा, पाणी पावक तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चलै, हम देखा तहां डूबी अले। पाशा कहते माया मोह जग भरमिया, माया दे मोह विच पै के, माया की आपां गल पहलां क्लीयर कर चुके हैं, नाल नाल भी करते जावांगे। हर वो चीज़ माया जिहड़ी तुहानूं सच्चे रस्ते ते तुरन तों रोकती हो, रुकावट खड़ी करती होदा भी हो सकता है, पुत्र तियां भी हो सकते ने, तुहाडा त्यागण तो बाद हंकार भी माया हो सकता है। सारा कुछ त्यागण तो बाद जिहड़ी हंकार की मनुख की जिंदगी विच एक अपनी थां बन जाती, वह भी एक माया का रूप धारण कर लैंदी है। पाशा कहिंदे माया मोह जग भरमिया, घर मुसै, कह लगे खबर ना होए। हुण घर लुटिया जा रहा होवे, हुण इत्थे घर शब्द वरते, घर भी दो ने, एक घर है जिथे तन रहिंदा है, जिथे परिवार दे जी रहिंदे ने, एक घर वो है जिथे मनुख दे मन दा परिवार रहिंदा है, ये भी एक परिवार है ना, जिथे अखां कन्न साडे कर्म इंद्रे साडे ज्ञान इंद्रे, ये भी एक टब्बर है, ये भी एक फैमिली है, ये भी एक परिवार है। जो बाणी च आख्या सी ना, बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमन छड़ के घर ले आया माल, दीन दयाल भरोसा तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। उत्थे इत्थे मन दे परिवार की गल हो रही सी, मन दे परिवार की गल हो रही सी। तो गुरु साहब जी इत्थे गल कर रहे ने, कहिंदे घर मुसै, किहड़ा घर, हिरदे रूपी घर लुटिया जा रहा है। कौन लुट रहे ने? इस देही अंदर पंच चोर वसै, किहड़े किहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकारा की लुटते ने, अमृत लुट है। अज है अमृत किसी को? जे अमृत हुंदा तो इन्हां अखां नाल पराई औरत नूं वेख के उहदे विचों अपनी काम वासनावां पूरी करदा, फिर इसदा कहिंदा नहीं ये धी वर्गी है, ये माँ वर्गी है, भैण वर्गी है, ये चाची वर्गी है, ये भूआ वर्गी है। औरत मर्द प्रति ये सोचती है, मेरे भरा वर्गा है, ये मेरे ताए चाचे वर्गा है, ये मेरे मामे वर्गा है। अमृत अंदर अमृत नहीं रहा, यहर भर गया अंदर, भरा भरा वल वेख के साड़ा कर रहा, नफरत कर रहा। पिंड विच को होर ट्राली ट्रैक्टर, शहर विच को होर गड्डी लै आवे, को होर वड्डा घर पा लवे, कोई होर तरक्की कर लवे, किसी होर दा पुत्र विदेश चला जाए, इहनूं कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जदों किसी अपने दा जांदा है, इहनूं प्रॉब्लम क्यों होंदी है? क्योंकि इहदे अंदरों अमृत लुटिया गया, अंदर यहर ही रह गया, वो यहर इहनूं अंदरों सब तो वध दुखी करता है। हुण घर मुसै, खबर ना हो, इहदा घर लुटिया जा रहा है, ये बेखबर है। हुण घर च चोरी होवे, बंदे नूं माड़ी मोट खबर होवे, तो इतलाह करदा है, थाने कोर्ट कचहरियां जांदा है भी भाई मेरा समान कुछ ना कुछ तो बचे। हुण घर मुसै, खबर ना हो, इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लुटै, मन मुख नहीं बुझे। मन के पिछे तुरन वाला बंदा इस गल नूं बुझदा नहीं, क्योंकि खबर ना हो, बेखबर है, कोई ना सुने पुकारा। पाशा जी कहिंदे ने कमाल की गल वेखो, ये चोर इहदी अंदरों सारा कुछ लुटी, हाँ एक तरीका हैगा, महाराज कहिंदे इस चोर नूं बन्नण दा एक तरीका है, वो की है? गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश। तो गुरदेव कहिंदे ने काम क्रोध मन हिर लिया, काम ने क्रोध ने, वेखो काम क्रोध, क्रोध दे धद्दे नूं सिहारी है, काम ने क्रोध ने मन नूं हिर लिया, मन विच ओड़ा सरमाया सी, कीमती गुण से कट्ठे, क्योंकि इन्होंने दोहां नूं बाणी च पता की लिखिया,
साहब जी कहते किड़ी कमाल की गल करे, बाहर धोए तो अंतर मन मैला। बंदा बाहरों धोई तो जा रहा पर अंदर मन मैला है, दोए ठौर अपने खोए। इहां काम क्रोध मोह व्यापिया आ गया मुस मुसरोए। बाहर धोए तो अंतर मन मैला, बाहरों धोई तो जाता मन मैला है। बाहर धोए तो अंतर मन मैला, दोए ठौर समझ दो, अज ते कल, वर्तमान ते भविख, मन ते तन, इनू इदां समझो। जिनू आपां लोक सुखी है पर लोक सुहेला कहिंदे आ, इह लोक सुखी है पर लोक सुहेला, इहदा मतलब की है? जिहदा मन सुखी उहदा तन सुखी, जिहदा वर्तमान सुखी उहदा भविख सुखी। असीं इदां इदां बना लिया, लोक मीनिंग संसार पर लोक मीनिंग अगे। इत्थे ते असीं डांगां खा रहे हैं, जुत्तियां खा रहे हैं, इत्थे ते वकार बंदे नूं नत्थ पा के धुई फिरदे ने, अग्गा तुसीं किद्दां सवार लोगे? इत्थे लोग सुखी दा अर्थ है जिहड़े बच्चे दा अज लोग सुखी है, जिहड़ा अज किताब उत्थों नहीं छड़दा, स्टडी करदा, उहदा पुरलेख सहेला होएगा होएगा, उहदा आउण वाला कल उजला होएगा होएगा, मेहनत रंग लिआएगी ना। जिहड़ा किसान अज अपने मोढ़े तो कहीं नहीं छड रहा, जिहड़ा दिन रात काम कर रहा, जिहड़ा अज वर्तमान मेहनत कर रहा, उहदा भविख उजला होएगा होएगा, उहदे घर चार मन दाणे होणगे होणगे। जिहड़ा माली अज बगीचे 'च भज्जा फिरदा है, कटर लिया उन्हें पत्तियां कट्टी जाता है, उसकी पूरी देखभाल करता अपने गार्डन की, जिहड़ी उसकी उन्हें लाया है फुल बूटे, तो वेखण वाला फिर जदों उन्हें वेखदा फिर वह फुलां की तारीफ थोड़ा करता, वह सामने वाले की वडियाई करता, वह कर फुल की तारीफ रहा हुंदा है, पर वास्तव जिन्हें उन्हें सांभिया हुंदा गल उहदी हो रही हुंदी, क्या बात है जी, क्या शिंगारिया उन्हें। तो पातशाह इत्थे कहिंदे काम क्रोध मन हिर लिया, काम ने क्रोध ने मन विच जिहड़े दैवी गुण कट्ठे कीते सी उह चुरा लै, खत्म कर लै। मनमुख अंधा लोए, ए लोए दा मतलब जगत, जगत मन दे पिछे तुरन करके अन्ना होया है। इन्हां अखां दी जिन्हां कोल जोत है नहीं, बाणी उन्हां नूं अन्ना नहीं कहिंदी। अंधे इन्हां अखियां जिन मुख लोए नाहे, अंधे सही नानका खसमो कुत्थे जाहे। हुण ये जिहड़े पंज वकार बंदे दे अंदरों चोर चुरा के समान ले जा रहे ने, तो गुरदेव जी कहते इन्हों नाथ पा पाई, इन्हों कंट्रोल करने की जात सिख। सुन मुंदे हरण आखिए, हे हिरन दियां अखां वालिए जीव स्त्रीए, गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सजाण कै तां कीचे वपार, दोही दिचे दुर्जना मित्रां को जयकार। दुर्जना नूं मारन वास्ते मित्रां नूं आवाज मार, दोही दीचै दुर्जना मित्रां को जयकार। जे तू चाहना कि दुर्जन तेरे जीवन चो बाहर जाण ते मित्रां नूं आवाज मार। हुण तुहाड़े ते दुश्मन अटैक करे, तुसीं मित्र नूं आवाज मार देना भी आ मेरी मदद कर भाई। जे पंज वकार तेरे ते हमला करदे, मित्र कौन है? सत संतोख दया धर्म धीरज कर मुकाबला इहदा। पर जगत ते अन्ना है, जगत अजे मित्र ते दुश्मन की पहचान ही नहीं कर रहा। साढ़े नाल शुरू तो हुंदा आया, शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह वेले भी इहो कुछ होया, 84 वेले भी इहो कुछ होया, हुण भी इहो कुछ हो रहा अपने नाल। सानू दुश्मन मित्र लगी जांदा है ते मित्र दुश्मन लगी जांदा है। जिहड़े सानू पुठियां मतां दे के अपने कोलों खर्चा दे के गलत रस्ते तोरदे ने, सानू अपने कई वारी मित्र लगदे ने। भावें पिंड विच कोई, शहर विच कोई होर शरीक होवे, पर कई वारी अपने भैण भरा सानू अपने दुश्मन लगते हैं। हुण इत्थे शब्द वरत्या, काम क्रोध मन हिर लिया, मनमुख अंधा लोए। हुण दूजा पात्र आ गया, एक तो वह सी जिन्हें अपना आप लुटा लिया मन के पिछे तुरन, हुण पात्र बदल गया। हुण दूजा पात्र कौन है? जिहड़ा इन्हां पंजां दा मुकाबला करदा। किदां करदा है? ज्ञान खड़ग, उहदे कोल खड़ग है, कादी? ज्ञान दी, ज्ञान दी खड़ग लै के पंच दूत संघारे, उन्हें पंजे दूत संघार दिते, पंजां दा डट के मुकाबला किया। मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर, परा को जी दे गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीम दे। रामकली रागंदर भाई बलवंड जी ते भाई सत्ता जी दी जिहड़ी आपां वार पढ़दे हां, मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर, परा को जी दे, पहला जीवन चेंज करके रख दिता गुरु की बख्शिश की हुई सुचजी मत द्वारा। खड़ग ज्ञान खड़ग, ज्ञान की खड़ग, अज ज्ञान की खड़ग होवे तो असी देहधारियों की पूजा करते दे। जे साढ़े को ज्ञान की खड़ग होंगी तो अज रेप वर्गिया घटनावां वापरदियां,
ज्ञान की खड़ग हुंदी ते असी इन्ना साफ सुथरा पानी शहर की गंदगी सुट के उन्हूं गंदा कर दे, उस समगरियां सुट दे असी। दुआई रब की तौबा है, पहले पानी घटता जा रहा, जिहड़ा माड़ा मोट बचिया है उन्हूं भी असी उहदे विच समगरियां सुट सुट के धर्म के नाते उन्हूं होर गंदा करी जा रहे। वेखो की बनता पिया, किहड़े हालात असी बनाए पए ने। तो इत्थे शब्द वरतिया ज्ञान खड़ग, ज्ञान की खड़ग लैके पंच दूत संघारे, पंजां दूतां दा संघार कर दिता, तो गुरमत जागै सोए गुरु की मत लैके। अच्छा मुकाबला किहड़ा करता बंदा जी चोरां दा, जिहड़ा जागया होएगा, जागया होया ही मुकाबला करेगा, जिहड़ा जागिया नहीं वह मुकाबला कित्थों करेगा। तो बाणियां की जाग, जिथे तन करके जागे हैं उत्थे मन करके भी जाग। ताई बाण जी कह नैणो नींद पर दृष्टि विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्तु ओ अपनी लह। इस ग्रह में इस हिरदे रूपी घर च कोई विरला ही है जिहड़ा जागदा है, ओह ही अपनी साबत वस्तु अपना आत्मक सरमाया बचा सकदा है। जिहड़ा सुत्या होया है वह तो लुटा लिया उन्हें अपना सब कुछ। उत्थे कहते ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे, ज्ञान की खड़ग लैके उन्हें पंजां दूतां का संघार कर दिता। गुरमत जागै सोए गुरु की मत लैके वह जाग गया, तो बाणी सानू जगाउंदी है। भगत साहबान हलूणा दे दे के जगाउंदे रहे, जागो भाई की करते पे जे, तुसीं जागो सचेत हो। बार बार सानू सचेत, बार बार सानू जगाया, बार बार तुहानू हलूणा दिता भी उठ जाग मुकाबला कर भाई। बार बार समझाया सानू भी उठ भाई जाग, ये जिहड़े पंज वकार तैनू तेरे मन नू बन के बैठे ने, इन्हां नू किदां तू अपनी जिंदगी विच सुर करना है। तो पातशाह समझाउंदे ने ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे, गुरमत जागै सोए। हुण जिन्हें ज्ञान की खड़ग लैके गुरु की मत लैके जिन्हें इहदा डट के मुकाबला किया, फिर उन्हूं बेनीफिट की होया भला? नाम रतन प्रगाशया, नाम का रतन प्रगाश गया। हुण जिहड़े भी वड्डे वड्डे अफसर बनते आ, जिहड़े उच्चे अहुदिआं ते जांदे आ, उह जा के ज्ञान की खड़ग लैके अपनियां उन्हां बुराइयां नाल लड़दे, जिहड़ी बुराई उहनूं उस रस्ते ते तुरन तों रोकदी है, ते फिर वो भी रतन बन के समाज में प्रगटते हैं ना। जिहड़े भी बंदे तराशे जाते हैं, जिहड़े कोई उच्चे अहुदे ते जाते हैं, वो एकदम थोड़ा आ गए, उहदे पिछे किन्नी घालना है, किन्नी मेहनत है, किन्नी तपस्या है उसकी, फिर जाके वो किते उस मुकाम ते पहुँचदा। हुण कहिंदे नाम रतन, इहनूं रतन आखिया, नाम रतन प्रगासिया, उहदा नाम दा रतन दैवी गुण बंदे दे जीवन च प्रगासिया की वह मनुख सोहना बन गया। इन बाणी च तां आख्या सी ना, रैण गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। नाम रतन है तो जिस हिरदे च टिकदा फिर वह जीवन भी महंगा बन जाता, वह भी रतना वर्गा अमोलक बन जाता। नाम रतन प्रगासिया, मन तन निर्मल होए, उहदा मन ते तन दोवें निर्मल मैल तो रह तो, जिवें आपां पहलां श्लोकां च कर चुके हैं वी निर्मल पंथ किहड़ा सी, आ निर्मल पंथ सी, मैल तो रहत पंथ चलाता, विशियां विकारां तो रहत एक जीवन सिरज के समाज के सामने विखाता कि इदां दा जीवन भी होया करता है। हुण इह गुरदेव जी ने दो पात्र से, एक वो है जिहदे अंदर पंज विकार चोर चोरी करके लई जा रहे ने, इस देही अंदर पंच चोर वसे। अच्छा इन्हां नूं बन्नण दा तरीका दसदा अगे किदां, फिर एक ग्रह दस द्वार हैं जाके, एक घर है दे दस दरवाजे ने, एनस दिन रात, एनस तस्कर पंच चोर लगैया, दिन ते रात पंजे चोरे दा समान चुराई जा रहा, धर्म अर्थ सब हिर लै जावे। इहदे अंदर दा धर्म अर्थ सब हिर लै जावे, जदों धर्म ही चोरी करके लै गए बंदे कोल धर्म रहना कित्थों सी, फिर ते बंदा धर्म ही बनेगा ना, फिर फर्ज कित्थों पूरे करेगा। अज आप कहने बंदा राजा फर्ज नहीं पूरा कर रहा, प्रजा फर्ज नहीं पूरा कर रही, डॉक्टर फर्ज नहीं पूरा कर रहा, आप कह रहे हैं ना, कितों करना सी, धर्म तो चोरी करके लै गए अगले। धर्म अर्थ सब हिर लै जावे तो मन मुख अंदले खबर ना पई आ। हाँ कहते एक तरीका है, तस्कर हेरू आए लुकाने,
जिहड़े तस्कर हेरू आउंदे आ ना लोग लोग के तस्कर हेरू आए लोगों ने गुरु कै शब्द पकड़ बंद पई आ गुरु के शब्द द्वारा इन्हों बन्नया जा सकता है तो गुरु का शब्द अज साढ़े को है नहीं गुरु की सिक्ख्या साढ़े को है बाकी सिक्ख्या बहुत है जे नहीं हैगी तो गुरु के उपदेश गुरु के सुचजे ज्ञान की साढ़े को सिक्ख्या है भाई किसी होर ने सानू दुखी नहीं किया सानू दुखी किया साढ़े अपने अंदर बैठे हुए पांच चोर ने ये चोर सानू गलां ते नचाई जाते हैं ये दुश्मन साढ़े जेडे सानू मित्र लगते हैं राजा बालक है नगरी काची है दुष्टा नाल प्यारो दुश्मनों नाल प्यार पा के बैठा है मन साडा जेडे मित्र ने उन्हां नाल दूरी बना के बैठा है साडा मन इस करके प्रॉब्लम आ रही है ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन प्रगासिया फिर नाम रतन कला नाम रतन अंदर ही नहीं प्रगासिया जीवन भी प्रकाशमान हो गया जीवन खूबसूरत बन गया मन तन निर्मल सोए मन ते तन मन भी निर्मल हो गया तन भी निर्मल हो गया जो मन च माड़े विचार नहीं रहे तो तन च कितों रहने से फिर तो अगे फिर पात्र बदल गया फिर अगलिया तुकां विच हुण उन्हां दी गल करती जिहड़ियां पहलियां दो तुकां च गल कीती जिहड़ियां दे अंदरों आत्मक सरमाया चोर चुक के लै गया सी उत्थे कहिंदे ने नामहीन जिहड़े नाम तो सखणे ने गुरु दी सिख्या तो सखणे ने नकटे फिरे नकटे समझदे हो जिहड़ा नक ना होवे हुण नक असल इज्जत दा प्रतीक है वास्तव विच ना नकदार इज्जत हुंदी जिवें आपां तूं तो मेरा नक कटाता जिमें आप कहने बंदा नक् रखने की नहीं करता भाई नक् रखने करना पिया जी थोड़ा करता सी इन्ना खर्चा करनू पर गल तो नक् दी सी करजा चुक के भी बंदे नू आ कम करना पिया तू तो नक् कटाता हूँ नक् कटन का अर्थ की इतों नक् वड्या गया नहीं नहीं बेइज्जत हो गया इज्जत गवाच गई कहिंदे नामहीन नकटे फिरे नाम तो सखने बंदियां दी कोई इज्जत नहीं हुंदी जिमें आप कहें नक् तो पावे ने नक् कटाता मेरा बेइज्जत होंगे बंदे इज्जत तो इज्जत बड़ी वड्डी चीज़ है एक समा आउंदा जदों बंदा पैसा कमाउंदा भी सब कुछ होवे पर पैसा कमाउण तो बाद ना बंदा सोचदा इज्जत भी होवे वो टावे बंदे होंदे जिन्हां ने सही तरीके नाल पैसा कमाया होंदा तो पैसे दे नाल नाल इज्जत भी उन्हां दी उन्नी नाल बराबर होंदी कुछ लोग तुसीं वेखो ना आप तुसीं वेखो ड्रग वेचण वाले समैकां वेचण वाले पैसा पहलां तो पैसा कमाउंदे ने जो पैसा कमाया जाता फिर चाहते हुण लोकां नूं साड़ी थोड़ी जी ना इज्जत भी हो जिम्मे फिल्मों से नहीं वेखते वे वे विलन वो लोगों सामने समाज सेवी भी बहुत व्डे होंगे भी इन्ने स्कूल डोनेशन देती गरीबों कंबल वंटते तो थोड़ा जहा पड़दे कि लुटते भी आ मारते भी आ तबाह भी करते नुकसान भी करते ये पात्र अज समाज में वेखो तुम कि घूम रहे जेडे समयकों वेचते ड्रग वेचते जिन्हों के पिछे बड़े बड़े मंत्री MLA MP खलोते हुए हैं मिनिस्टर खलोते हुए ने फड़न तो बाद पुलिस भी डीकती है भी फोन आया तो हूँ आया तो हूँ आया बस पैसा कमा लिया कोठियां बन गई हूँ इज्जत भी चाहते हूँ कहते लोगों शोभा भी होगी भी इन्ना वड्डा पैसा है फिर वो वास्ते किसी बाबे ना गांड तोप होंगी है किसी वड्डे बंदे धार्मिक बंदे ना गांड तोप होंगी है बाबा जी आते हैं अखंड पाठ होंगे ने गुगल तिखाए जाते हैं अरदासा होंदिया ने काजू पिस्ते बदम अगे रखे जाते हैं फिर बाबा जी लंबा हजूरिया गल च पा के ऐदा खंडा शंडा मत्थे ते ला के फिर इदा अरदास करते हैं इन्हां नूं देर दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करो भी जिहड़े माड़े मोट के इदा कोई धी पुत बचिया रब जी इन्हां नूं इन्नी ताकत बख्शिश करो भी उन्हां तक भी ये समैक दियां पुड़ियां पचा देण इहदा मतलब ये पता नहीं पता सारा कुछ पता है हुण नाम तो सखना चाहुंदा इज्जत होवे गुरु की सिख्या तो बिना चाहुंदा बंदा इज्जत होवे इज्जत होएगी जे गुरु के रस्ते तुरेगा तुसीं वेखो ना कई सधारण बंदियां दी कमाल दी इज्जत हुंदी पैसा भावें घट है पैसा कमा लिया बंदा सब कुछ चाहुंदा ना पैसा भी होवे इज्जत भी होवे सब सब चीज़ां एक हो सकदियां ने पर जे बंदे कोल सच पल्ले होवे ते हैगे ने बंदे जिन्हां कोल सब कुछ ही हुंदा तुसीं पैसा भी हैगा इज्जत भी हैगी माण सन्मान भी हैगा पर टावे हुंदे ने गुरां दे कहिण वाले नहीं ते बंदा शॉर्टकट मारदा भी विचों दी लभ के रस्ता ते मैं अगे वधण दी कोशिश कर पाशक दे नामहीन नकटे फिर एक गल दा ख्याल रखियो दो नंबर दियां कमाइयां करके पैसे घर वड्डे बिजनेस खड़े कीते जा सकदे ने बैड हो सकता दो दो चार चार लख दे घर च हुण पर चैन की नींद नहीं आएगी
ਸਧਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਰੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਹੀਨ ਨਕਟੇ ਫਿਰੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ, ਨਾਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਿ ਰੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਜੂ ਰੋਂਦੇ, ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ, ਹਾਏ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਇਕਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਜੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ ਉੱਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਰੇਗਾ ਨੀਚ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਨਾ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭੁਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਨੇਮ ਤਾਂ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਵੀ, ਆਮ ਵਰਕਰ ਲਈ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਦਾਰੀ ਕਰ, ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਜੋ ਕਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਮੀਕਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਭੁੱਕੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਸਾਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ, ਇਹ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਚੈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਾਈ ਜਾ ਬੀਜ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਕਰਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੀਜ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਨ ਕਿਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ ਹੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੂਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਟਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ, ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 14 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ, 1414 ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।